तो अब देवघर में भी सावन के महीने में शराब नहीं मिलेगी। जी हाँ, बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन ने शराब बिक्री पर रोक लगा दी है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। प्रशासन के मुताबिक मेला क्षेत्र में यदि किसी भी शराब की दुकान पर शराब की बिक्री करते हुए कोई पाया गया तो जिला प्रशासन उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। एसडीएम दीपांकर चौधरी ने कहा कि श्रावणी मेला को देखते हुए देवघर में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इस बार उत्पाद अधीक्षक एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है, जिसमें जो पहला फेज है श्रावण मेले का और जो दूसरा फेज है श्रावण मेले का, दोनों में कुछ दुकानें हैं जिनका लाइसेंस नंबर के साथ अंकित किया गया है, जहां पर अल्कोहल का सेल परचेज बंद रहेगा, ड्राई रहेगा। वो अगर कोई बेचते हुए पाया जाता है शराब से तो क्या करेंगे? देखिए, अगर कोई बेचते हुए पाया जाता है शराब तो एक्साइज लॉ के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए तमाम भक्त और कांवड़िये पहुंचते हैं। देवघर में सावन का बड़ा मेला लगता है जो इस बार मलमास होने के चलते 2 महीने तक चलेगा। इस मेले में देश भर के श्रद्धालुओं का तांता लगता है। मेले में शांति व्यवस्था कायम रहे और कोई घटना ना हो, इसके चलते प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है।